हेलो दोस्तों, आज एक हम अमेजिंग प्लेस में आ रहे हैं। ये रिसॉर्ट्स है, बहुत ही अमेजिंग जगह है। यहाँ जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। बहुत मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत रिसॉर्ट्स है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा रिसॉर्ट है। और यहाँ पे ये है ना कि फ्लावर, बस आपको जो है यहाँ पे फ्लावर्स मिलेंगे, नेचुरल ब्यूटी ज़बरदस्त। उसकी डेकोरेशन फ्लावर्स की इतनी अच्छी हुई है कि मज़ा आ जाता है। अभी ये जो है, इसका मैं सबसे पहले आपको एड्रेस बता देता हूँ और ये लोकेशन कहाँ पे है। ये एक्चुअली ढाका सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है। ढाका सिटी से मुझे लग रहा है 10 किलोमीटर के रेंज में है। और बहुत ही अच्छा खूबसूरत, आप देखते रहिए, आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत बहुत मतलब खूबसूरत जगह है। आप आएंगे, नदी के किनारे है। और आने में यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत अंदर एरिया में है, ठीक है। तो ये जो है अपना एक जगह है, 100 फीट रोड है, मदनी एवेन्यू बोलते हैं, बोरो ब्रेड बड्डा। एक्चुअली जगह का नाम बड्डा है, बड्डा ये ढाका डिवीज़न में ही आता है। ढाका सिटी से 15 किलोमीटर के रेंज में है बड्डा। पिन कोड 1212 लगता है यहाँ का भी। काफ़ी अच्छा है, यहाँ के लोगों में ये बहुत फेमस है। और ये फेमस 2019 से हुआ, इससे पहले इतना ज़्यादा फेमस था नहीं। और पैंडमिक में जो है और ज़्यादा फेमस हो गया यहाँ के लोगों में ये, क्योंकि ये सिटी से दूर है और वहाँ एक गांव जैसा है, नदी है जिसको बालू नदी बोलते हैं, बालू रिवर, उसके बैंक पे किनारे पे ये बनाया गया है। और इसके जो ओनर हैं, जहाँ के बहुत मतलब वर्ल्ड के रिनोनेड जो है ये शेफ हैं, वो जो है इसके ऑनर हैं। उनका एक रेस्टोरेंट चलता है, कैटरिंग का मेन उनका एक बिजनेस है, जो बड़ी बड़ी पार्टियों और फ्लावर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जो है फूड सप्लाई करते हैं। वो के खान किचन, पहले थोड़ा वीडियो शूट हो जाए, के द्वारा जो है स्पॉन्सर्ड है, उनके द्वारा मतलब ये बनाया गया है। उन्होंने ही इसका ये किया था, अपना क्या बोलते हैं, शुरुआत किया था उन्होंने। और यहाँ एक और चीज़ है, जो फ्लावर्स हैं ये यहाँ से आप ख़रीद के भी ले जा सकते हैं, काफ़ी महंगे हैं। यहाँ से, यहाँ नर्सरी टाइप का ही लग रहा है ये, यहाँ से फ्लावर्स लोग ख़रीद के भी ले जाते हैं, आते हैं घूमने। यहाँ पे चार्जेस भी लगते हैं, लोग जो आते हैं, कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं है, 200 रुपया एक आदमी का है और आप कितना देर भी घूम सकते हैं। और वो जो 200 रुपया आप देते हैं यहाँ पे, वो आप अगर अंदर रेस्टोरेंट हैं उसमें आप कुछ खाना खाएंगे तो उसमें क्या करेंगे ये लोग, वो 200 रुपया एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो नॉन रिफंडेबल है, आपको मिलेगा नहीं। हाँ, अगर आप कुछ खाते हैं तो वो 200 रुपया, अगर आपने 1000 रुपये का खाया, 200 टका होता है, सॉरी, यहाँ पे अगर 1000 टका आपने खाया कुछ भी उसका, तो आपको 200 टका उसमें माइनस कर देंगे, 800 आपसे देंगे, 800 टका लेंगे। ये देखिए व्यू कितना खूबसूरत है, यहाँ से मेन ये व्यू है इसका, बहुत बढ़िया बिल्डिंग है। और हम लोग ऊपर भी चलेंगे, अभी जो है हम सीढ़ियों से ऊपर भी जाएंगे, अभी नीचे हम यहाँ से जा रहे हैं। अब सीढ़ियों से चलते हम ऊपर, अंदर भी आपको सीन दिखाएंगे, कोशिश करेंगे ऊपर चलते हैं, नीचे की आपको जो विजुअल और जो वीडियो है वो हम थोड़ा ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए आप, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक चीज़ जो यहाँ पे बुरी लगी मुझे ढाका में, मच्छर बहुत है यहाँ पे, इतना मच्छर, उसके लिए बिल्डिंग है। और ये जो है द मेन हाउस, ये जो अभी आपको दिखाया मैंने मेन हाउस, द मेन हाउस इज डिज़ाइन एज अ ट्रेडिशनल होम एंड टू ग्रीन लॉन इन फ्रंट यहाँ पे लोग जो आते हैं वो तो खाने के शौकीन जो भी आते हैं खाते हैं, या फिर देख सकते हैं आप रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे, आप खा सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, आप खुद भी खा सकते हैं। बस ये ग्रीन लाइट हम ज़्यादा था, देखिए हम ये ऊपर आ गए हैं, ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह, जहाँ तक कि हम टॉप पे आ गए। इसके ओनर टॉनी खान हैं, और टॉनी खान बांग्लादेश की नहीं, पूरी दुनिया में रिनोनेड एक शेफ हैं, तो काफ़ी अच्छी इनकी डिशेज रहती हैं। तो अब जब भी मतलब मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ, जैसे हम आ रहे हैं करीब से मैं इसका वीडियो बनाया, बहुत ज़बरदस्त, मतलब मैक्सिमम मुझे लगता है कि ये कैटेगरी का कलर अलग अलग है।
बहुत सारे कलर हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा, मुझे तो बहुत मजा आया यहाँ पे। ये सब बिजनेस ट्रिक है, बैठा हुआ था तो मैंने बिजनेस ट्रिक है, भाई सकते हैं आप लोग देखिए दोस्तों, एंजॉय करिए, एंजॉय कर रहे हैं हम। अब मेन टॉप पे हम लोग और वहां से नीचे की विजुअल्स ले रहे हैं। बस एकदम टॉप से जबरदस्त ये फ्लावर्स हैं और सब जो है मतलब एक नेचुरल जो ये ब्यूटी होती है ना वो जबरदस्त। इन लोगों ने कोशिश किया है कि यहाँ पे ये किया जाए, मतलब रात में यहाँ पर रश देखेंगे आप, मैं देखा बहुत रश है और ज़्यादातर लोग क्या मतलब सभी लोग यहाँ फ़ोटोशूट के लिए ही आते हैं, केवल फ़ोटोशूट के लिए मैं देखता हूँ यहाँ लोग आते हैं और रेस्टोरेंट में कुछ खा लेते हैं, चिल आउट करते हैं रिवर के तरफ बैठ के। नीचे हम लोग चलेंगे उसके बैंक पे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि रात तो हो रही है। ऊपर से व्यू देखिए काफ़ी खूबसूरत है और ये जो है बनाया गया है, मुझे ये व्यू आप जो देख रहे हैं ये जो पेड़ है उनकी टहनियों के ब्रांचेस काट के फिर उसको पेंट करके और उसे सजाया गया है। टॉप पे हम लोग अभी ऊपर मतलब सब गमले में ही है, पॉट में रखा हुआ है सामने से, हम तो यहाँ ऊपर है तो पीछे से दिखा रहे हैं। मसूद भाई हमारे काफ़ी मेहनत करते हैं, मुझे जगह जगह घुमाने के लिए जाते हैं, हम लोग खाना भी खाते हैं बढ़िया से। नीचे आ गए हैं, ये ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है बैंक के रिवर के बैंक के नदी उसके किनारे पे, और बड़ा ग्राउंड है यहाँ, लोग अपना खाना लेके और जाके आराम से टेबल लगे हुए हैं बैठ के लोग आराम से खाते हैं। और यहाँ से व्यू देखिए काफ़ी अच्छा आता है, यहाँ लिखा हुआ है ठिकाना बंगला भाषा में, ठिकाना ये ठिकाना लिखा हुआ है। यहाँ से जब बिल्डिंग है बड़ी अच्छी दिख रही थी, मैंने फ़ोटो यहाँ पे क्लिक किए हैं बहुत सारे। ये भी एक ये बागीचा की तरह है, पेड़ है और मस्त लाइटिंग अच्छा ये लोगों ने मतलब लगाए हैं लाइटिंग वगैरह। यहाँ पब्लिक बैठती है लेकिन दिक्कत मैं बार बार यही कहूँगा कि यहाँ पे यही हो रही है कि मॉस्किटो बीटिंग की बात, इतना मच्छर काटते हैं यहाँ पे, इतने मच्छर एक जगह अगर खड़ा होकर हम फोटोशूट कर रहे हैं तो पैर में हाथ में मुँह पर आ जा रहे हैं लोग, ऐसा सीन है। ये भी देखिए मतलब चारों तरफ फूल ही फूल है, जहाँ तक देख लें आप मतलब ऐसा लग रहा है कि हम किसी दुनिया के बहुत बड़े नर्सरी में आ गए। ये साइकिल है, इसमें भी बढ़िया से सजाया गया है फूल वगैरह, बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी देर यहाँ बैठा था, मच्छर तो काट रहे थे, तकलीफ़ हो रही थी लेकिन जगह भी अच्छा लग रहा था। मैं कई लोगों से पूछा भाई मच्छर क्या आप लोगों ने पाल के रखे हैं क्या इधर, बोलते हैं नहीं भाई इधर हम लोग ये इधर तो पेस्ट कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि खुले में है सब। यहाँ पे हम लोग अभी अंदर जाके पूछेंगे दाम एक पॉट का, देखते क्या बोलते हैं। काफ़ी महंगा है ये पॉट जो है, बेच भी रहे हैं, आपको जो चाहिए वो ले जाइए लेकिन पैसे ज़्यादा रखते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लोग पैसे भी यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं और फिर उसकी जगह फिर लोग दूसरा रख भी देते हैं। इनका एक तरह का ये बिजनेस कॉन्सेप्ट है, ये बिजनेस भी चल रहा है, लोगों जो पसंद आ रहा है वो ख़रीद के भी ले जा रहे हैं, आ रहे हैं तो पैसे दे के आ रहे हैं, रिसोर्स से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चिल आउट कर रहे हैं, तो इनका मतलब बिजनेस कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये पेंट का जो मैंने बताया था, ये टहनियाँ काट के और बढ़िया से इसको पेंट करके और इसको लकड़ियाँ डाल के और इसको अच्छा लगता है पेंट करवा। देखिए दूर से व्यू ले रहा हूँ, विजुअल देखिए दूर से कितना अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। अब दोस्तों चलिए वीडियो जो है लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, मेहनत कर रहे हैं हम कि हम आपको अच्छे अच्छे जगह का जो है ब्लॉग बना के आपको उसके बारे में बताएं जितना हो सके। एक तरह का ये कपल पॉइंट है हम कह सकते हैं, फैमिली और कपल बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं फ़ोटोशूट करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
Thanks for watching my video and kindly subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.